हाणे हुकूमत ठही चुकी आहे, नए सिरे इश्तिहार ॾेई मेरिट ते नौकिरी ॾियो। सिंध हाई कोर्ट पारां इहे हिदायतूं जारी कयूं वियूं आहिनि। कोटा सिस्टम जी जेकॾहिं भञकड़ी थिए थी त हिनखे अदालत में चैलेंज करे सघिजे थो। सिंध हाई कोर्ट हिकु हफ़्ते में सरकारी वकील खां लिखत में दलील तलब कंदे ॿुधणी 27 मई ताईं मुलतवी करे छॾी आहे। सिंध हाई कोर्ट में 1 खां 15 ग्रेड ताईं सरकारी नौकिरियुनि जा ऑर्डर जारी करण ख़िलाफ़ MQM जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। एडवोकेट जनरल जो चवणु आहे त अदालत जे स्टे ऑर्डर सबबि हज़ारे माण्हू मुतासिर थी रहिया आहिनि। ॿुधणी जल्द मुकमल कई वञे। वकील फरोग रसीम जो चवणो त हुकूमत ख़ातिरी कराए वॉक इन इंटरव्यूज़ न थींदा। सेसी जे वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद तरफ़ां बि दलील ॾिना विया। अदालत ॿुधणी 27 मई ताईं मुलतवी करे छॾी। सिंध हाई कोर्ट में 1 खां 15 ग्रेड ताईं सरकारी नौकिरियुनि जा ऑर्डर जारी करण ख़िलाफ़ MQM जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। अदालत जो चवणु आहे त हाणे हुकूमत ठही चुकी आहे, नए सिरे इश्तिहार ॾेई मेरिट ते नौकिरियूं ॾियो। सिंध हाई कोर्ट में 1 खां 15 ग्रेड ताईं सरकारी नौकिरियुनि जा ऑर्डर जारी करण ख़िलाफ़ MQM जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। एडवोकेट जनरल जो चवणो त अदालत जे स्टे ऑर्डर सबबि हज़ारे माण्हू मुतासिर थी रहिया आहिनि। ॿुधणी जल्द मुकमल कई वञे। वकील फरोग रसीम चयो त हुकूमत ख़ातिरी कराए वॉक इन इंटरव्यूज़ न थींदा। सेसी जे वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद बि दलील ॾिना। अदालत ॿुधणी 27 मई ताईं मुलतवी करे छॾी। तफ़सील मालूम कयो था टाइम न्यूज़ कराची जे रिपोर्टर हबीब जमाली खां। हबीब, अहम ॿुधणी थी आहे नौकिरियुनि तां पाबंदी हटाइण जे हवाले सां, छा तफ़सील आहिनि? सिंध हाई कोर्ट में सूबे में 1 खां 15 ग्रेड ताईं सरकारी नौकिरियुनि ते नौकिरियुनि ख़िलाफ़ MQM जी दरख़्वास्त ॿुधणी थी आहे। अदालत में एडवोकेट जनरल चंद पेश थियो। एडवोकेट जनरल चंद अदालत में मौक़ुफ़ अख़्तियार कयो त स्टे ऑर्डर जेको ॾिनो वियो उन सबबि हज़ारे माण्हू मुतासिर थी रहिया आहिनि। हिन जेको ॿुधणी जेका आहे उहा जल्दी कई वञे, जंहिं ते जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत चयो त असां केस हलाइण खां कॾहिं मना न आहे कयो। जेको नए सिर जेकी नौकिरियूं आहिनि उन्हनि लाइ जेकॾहिं नए सिर सां इश्तिहार जारी कयो वेंदो त अदालत खे को बि एतिराज़ु न हूंदो, नौकिरियूं मेरिट ते ॾींदो त अदालत छो रोकींदी। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त अदालत जेको बि हुकुम ॾींदी उन हुकुम ते अमल दरामद कयो वेंदो। अदालत रिमार्क्स ॾिना त एतिराज़ इहो त वॉक एंड इंटरव्यू थी रहिया हुआ ऐं जेकी घटि ग्रेड जूं जेकी नौकिरियूं आहिनि उहे बि मक़ामी माण्हुनि बजाए ॿियनि इलाइक़नि जे माण्हुनि खे ॾिनियूं पिए। जेकॾहिं ॿीहर इश्तिहार ॾिना वेंदा त पोइ हिन दरख़्वास्त जी हैसियत छा रहंदी। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत चयो त हुकूमत ख़तमु थी रही हुई ऐं वेंदे वेंदे सरकार नौकिरियूं ॾेई रही हुई, हाणे हुकूमत ठही चुकी आहे, ॿीहर इश्तिहार ॾेई मेरिट ते नौकिरियूं ॾिनियूं वञनि। फरोग नसीम वकील आहे MQM जो, उन अदालत खे ॿुधायो त हुकूमत ख़ातिरी कराए त वॉक एंड इंटरव्यू न थींदा। इहो बि जेको आहे यकीन ॾियारियो वञे त 40-60% कोटा ते अमल करायो वेंदो। इन ॻाल्हि खे यकीनी बणायो वञे त जली डोमी सालनि ते सरकारी नौकिरियूं न ॾिनियूं वेंदियूं। अदालत हिन ॿुधणी दौरान चयो त कोटा सिस्टम जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं वर्दी थिए थी त उनखे अदालत में चैलेंज करे सघिजे थो। फरोग नसीम जो चवणो त सियासी जमायत तरफ़ां दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुई, उनखां जेको आहे मूंखे हिदायतूं वठण लाइ जेको आहे मोहलत खपे, उनखां हिदायतूं वठंदसि। एडवोकेट जनरल सिंध हिन ॿुधणी दौरान अदालत में मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त केतिरा ई हज़ारे माण्हू जेके आहिनि उहे मुतासिर थी रहिया आहिनि, केस जल्दी हलायो वञे। फरोग नसीम जो चवणो त ही अदालत खे लिखी ॾियनि त छा करणु चाहिनि था। एडवोकेट जनरल चयो त असां दलाल जेकी दलील आहिनि उहे ॾींदासीं, केस जेको आहे हलाइणु चाहियूं था। फरोग नसीम जेको MQM जो वकील आहे हुन अदालत में मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त हिकु केस में सिंध हाई कोर्ट जे नाज़िर सरकारी ऑफिस ते छापो हुयो, रिकॉर्ड तवील में वरितो वियो त ख़बर पई त समूरियूं नौकिरियूं जल्दी तरीक़े सां ॾिनल हुयूं। हिकु साल खां ई केस जेको आहे देरि जो शिकार आहे। एडवोकेट जनरल इहो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त 1 साल खां स्टे ऑर्डर आयल
लॻियल आहे सरकारी नौकरियुनि ते, जंहिं सबबु मसाला पैदा थी रहिया आहिनि, केस अॼु खां ई हलायो वञे, जंहिं ते अदालत एडवोकेट जनरल सिंध खे चयो त वक़्तु ॾिसो केतिरो थियो आहे, अवां त अॼु ई जेको आहे ज़ाहिर थी आयो, जंहिं ते एडवोकेट जनरल चयो त मुंहिंजी टीम हर ॿुधणी ते अदालत में मौजूदु हूंदी आहे। अदालत हिकु हफ़्ते में जेको आहे सरकारी वकील खां लिखत में दलील तलब करे वरिता, ॿुधणी जेका आहे उहा 27 मई ताईं मुल्क़ी कई वई आहे। जी हबीब जमाली, महिरबानी अपडेट्स लाइ।